तो ये देखिए, आज मैंने बनाई है न्यू स्टाइल पोटैटो पिज्जा रेसिपी, वो भी बिना ओवन के और बिना ईस्ट के। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है आलू, जिसे हमने छिलकर वॉश कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने ग्रेटर लिया है, अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हमने एक बाउल लिया है, अब हम इसमें आलू का पानी को इस तरह से निचोड़ लेंगे। अब हम इसी तरह से सभी आलू के पानी को निचोड़ कर रेडी करेंगे। आलू को धोना नहीं है, बिना धोए ही इसे बनाना है। जब आप आलू को छीलें तभी इसे अच्छी तरह से वॉश करें। तो ये देखिए, हमने सभी आलू के पानी को निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसकी जगह पर अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अरारोट पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पानी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे इस तरह से डो के टाइप का कर लेंगे। इसे डो के टाइप का करना है, लेकिन इसे मलना नहीं है। अब हमने गैस पर एक पैन चढ़ाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल और अब हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू के डो को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमने आलू के डो को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से फैला देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। तो ये देखिए, हमने इसे फैला लिया है। अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे। तो ये देखिए, एक साइड से पक चुका है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। अब हम इसे दूसरे साइड से भी पकने देंगे। इसे ढक देंगे और इसे 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, इसे ढककर पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरे साइड से भी पक चुका है। अब हम इसे एक बार फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, इसका कितना अच्छा कलर आया है दूसरी साइड से। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। अगर आप टोमेटो केचप की रेसिपी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस चीज, जिसे हम इस तरह से तोड़ के ऐड करेंगे। अगर आपके पास स्लाइस चीज नहीं है तो आप इसके जगह पर मोज़रेला चीज का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जिसे हमने लंबा लंबा काट दिया है। आप किसी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आप इसकी जगह पर ऑरिगेनो का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर में भी स्लाइस चीज ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए, इसे ढककर पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए, वाओ, ये कितनी अच्छी तरह से पका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, न्यू स्टाइल पोटैटो पिज्ज़ा रेसिपी बनकर रेडी है, वो भी बिना ओवन के और बिना ईस्ट के।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।